मिलावटी शराब के कारोबारियों पर पुलिस के साथ ही प्रशासन ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार को शराब माफिया श्याम बाबू जायसवाल के अग्रा पट्टी स्थित मकान को प्रशासन ने जमींदोज करा दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा, साथ ही मौके पर ग्रामीणों की भी भीड़ जुटी रही। ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई से शराब माफियों में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि नवंबर 2020 में फूलपुर के अमलिया, खंसार, मेलवन, कोनार, अग्रापट्टी, अरवासी आदि गांव में मिलावटी शराब पीने से ईवीवी कर्मचारी समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही हालत बिगड़ने पर कई लोग अस्पताल भी भेजे गए थे। जांच में सामने आया था कि मृतकों ने सरकारी ठेके से शराब खरीदकर पी थी, जिससे ठेके से मिलावटी शराब बेचे जाने की भी चर्चा रही थी। इस मामले में अनुज्ञापी समेत 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया। इसमें श्याम बाबू जायसवाल भी थे, जिसे पुलिस ने मिलावटी शराब बेचने वाले गिरोह का सरगना बताया था। पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की। अफसरों के मुताबिक जांच में ये भी सामने आया है कि श्याम बाबू ने अपराध से अर्जित पैसों से अग्रा पट्टी में आलीशान मकान बनवाया। यही नहीं, मकान के निर्माण के लिए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा भी किया गया था। जिलाधिकारी के आदेश पर बुधवार को उक्त मकान जमींदोज करा दिया गया। इस मौके पर SDM फूलपुर युवराज सिंह व पुलिस मौजूद रही। चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।